नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर हैनीमैन और उन्होंने ही डिस्कवरी की है होम्योपैथी की और हम सबको होम्योपैथी के बारे में बताया है। तो आज मैं उनके बारे में कुछ बातें करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमैन सर का पूरा नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के शहर मिसेन में हुआ था और उस शहर में एक घर था जिसका नाम था कॉर्नर हाउस। उस घर में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमैन की माता जी का नाम जोहाना क्रिश्चियन सेप्सियन था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं नीचे स्पेलिंग लिख दूंगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उनके पापा का नाम क्रिश्चियन गॉटफ्रिड हैनीमैन था। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को हुआ था, लेकिन कहीं कहीं 11 अप्रैल भी लिखा रहता है, क्योंकि 10 अप्रैल की रात को हुआ था 1755 में, मतलब 1755 10th अप्रैल को डॉक्टर हैनीमैन जन्मे थे। दोस्तों डॉक्टर हैनीमैन के ग्रैंडफादर मतलब बब्बा जी का नाम क्रिस्टोफा हैनीमैन था। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमैन अपने माँ बाप के तीसरे बच्चे थे। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमैन की शुरुआती पढ़ाई उनके माँ बाप ने ही, मम्मी पापा ने ही की थी। उसके बाद स्कूल भेजते हैं तो उन्होंने अपने शहर में मतलब मिसेन में एक स्कूल था जिसका नाम लैटिन टाउन स्कूल था, वहाँ पर उन्होंने भेजा था। बाद में वो प्रिंसेस स्कूल में भी पढ़े थे और बाद में जब वो प्रिंसेस स्कूल छोड़ रहे थे, मतलब उन्होंने स्कूलिंग पूरी कर ली थी और पढ़ाई जब वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो उनको बोला जाता था कि एक एसे टाइप का एक लेटर या एसे आप लिखो जिसमें आप बताओ कि आपने क्या पढ़ा है, क्या कुछ खोज की है। तो वो उन्होंने उस एसे का नाम द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, मतलब आदमी के हाथ का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो हड्डियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, जो हमारा हाथ वर्क करता है, वो कैसे वर्क करता है, कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी मांसपेशियां होती हैं, उस सब के बारे में उस एसे में उन्होंने लिखा था स्कूल छोड़ने से पहले। दोस्तों स्कूल छोड़ने के बाद वो लिप्ज़िग चले गए और लिप्ज़िग यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टडी 1775 में की। दोस्तों इसके साथ साथ वो एज अ फैमिली फिजिशियन भी काम करते थे, साथ ही साथ वो एमडी भी कर रहे थे। तो एमडी उन्होंने अर्लैंग से कंप्लीट की और वहाँ पर उन्होंने एक थीसिस जमा की जिस थीसिस का नाम था अ समरी ऑफ द कंडीशन ऑफ क्रैम्प अकॉर्डिंग टू कॉजेस एंड क्योर। दोस्तों इस थीसिस को कंप्लीट करने के बाद और सबमिट करने के बाद उन्होंने एमडी डिग्री प्राप्त कर ली और एज अ डॉक्टर पर्सनली वो काम करने लगे और इस काम के लिए वो चले गए हैटस्टेड में। दोस्तों इसकी स्पेलिंग भी मैं नीचे लिख देता हूँ, तो आप अच्छे से प्रोनंशिएट कर लीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग का प्रोनंशिएशन क्या होता है। दोस्तों वहाँ पर जाके उन्होंने प्रैक्टिस चालू कर दी और एक साल बाद वो पहली बार शादी भी कर ली है और शादी उन्होंने 17 नवंबर 1782 में की और हेनरेटी कुचलर से की उन्होंने पहली शादी। उसके बाद वो वहाँ अच्छे से रहने लगे और उनके बच्चे भी हुए। दोस्तों इसी दौरान वो प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ बुक भी ट्रांसलेट करने लगे। दोस्तों डॉक्टर हैनीमैन बहुत ही बड़े ज्ञाता थे और उन्हें लगभग 12 लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और वो बुक्स को ट्रांसलेट करते थे। मान लीजिए वो इंग्लिश से लैटिन में लिखते थे और अगर लैटिन बुक है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, अगर जर्मन बुक है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो ऐसे वो ट्रांसलेट करते थे बहुत सारी बुक और उससे वो अपना जीविका चलाते थे। दोस्तों जब डॉक्टर हैनीमैन बहुत सारी बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे तो उनमें से एक बुक थी कोलेंस मटेरिया मेडिका वॉल्यूम 2, जो कि उन्होंने ट्रांसलेट की 1790 में। दोस्तों कोलेंस मटेरिया मेडिका में डॉक्टर कोलेंस ने बहुत सारी मेडिसिंस के बारे में बताया था और ये बताया था कि वो मेडिसिंस कैसे असर करती हैं और क्यों असर करती हैं और किस में असर करती हैं। दोस्तों उसमें से एक मेडिसिन थी पेरुवियन बार्क। दोस्तों उन्होंने बताया था कि पेरुवियन बार्क
जो मेडिसिन है वो हमारे शरीर में मलेरिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और वो इसलिए इफ़ेक्टिव है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। डॉक्टर हैनीमैन जब उसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने ये समझा कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ मेडिसिन की कड़वाहट से कोई मेडिसिन मलेरिया को ठीक नहीं कर सकती, तो इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, और यही उन्होंने फुटनोट में लिख दिया। तो जहाँ पर वो ट्रांसलेट कर रहे थे वहाँ नीचे एक फुटनोट अलग से बनाया और छोटे अक्षर में लिख दिया कि पेरुवियन बार्क जो है वो सिर्फ अपने कड़वाहट के कारण मलेरिया ठीक नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद उस बुक को ट्रांसलेट करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, और उन्होंने खुद पे पेरुवियन बार्क का एक्सपेरिमेंट किया कि वो क्या करती है अपने शरीर में, मतलब खुद के शरीर में उन्होंने पेरुवियन बार्क ली। जब उन्होंने 3-4 बार पेरुवियन बार्क ली, हर दिन ली, तो वो ये पाए कि पेरुवियन बार्क हमारे शरीर में मलेरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देगी, मतलब हमें मलेरिया जैसे लक्षण महसूस होने लगेंगे। दोस्तों ये उनके साथ भी हुआ, और जब उनके साथ हुआ तो उन्होंने फिर थ्योरी बनाई कि अगर कोई मेडिसिन किसी बीमारी को ठीक करती है तो उस मेडिसिन के अंदर क्षमता होती है उस बीमारी के लक्षण को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर वो क्षमता है तो वो बीमारी को ठीक करने की क्षमता भी रखती है। दोस्तों मान लीजिए अगर चाइना ऑफिसिनेलिस मलेरिया को ठीक करती है, तो अगर किसी स्वस्थ इंसान को चाइना ऑफिसिनेलिस दी जाएगी 30 potency में लगातार, तो उसके अंदर मलेरिया के लक्षण दिखने लगेंगे, और जैसे बंद कर देंगे तो धीरे धीरे मलेरिया के लक्षण दिखना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई अगर मेडिसिन होती है, चाहे वो चाइना, चाहे वो एकोनाइट, चाहे वो बेलाडोना, उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो उन सब सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सके, और जब ये क्षमता होती है तभी उन सब सिम्टम्स को वो ठीक भी कर सकती है। दोस्तों तो अगर आपके अंदर कोई लक्षण है और अगर किताब में वो लक्षण लिखे हुए हैं और दोनों लक्षण मिलते हैं, और जब आप वो मेडिसिन लेते हैं जिसके लक्षण पूरे मिलते हैं, तो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों यही चीज़ डॉक्टर हैनीमैन ने बताई थी, और लास्ट में उन्होंने फिर ये प्रूफ कर दिया था। उसके पहले उन्होंने बहुत सारी अलग अलग थीसिस लिखी, अलग अलग उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, और सबसे पहला आर्टिकल होम्योपैथी से रिलेटेड हॉफलैंड जनरल में, जो कि एक मेडिकल जनरल होता है, एक तरह का न्यूज़पेपर होता है जो कि जर्मनी में न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होता था, वहाँ पर उन्होंने लिखा लॉ ऑफ सिमिलिमम, लॉ ऑफ सिमिलर के बारे में दोस्तों। और ये लिखा उन्होंने 1796 में, तो सबसे पहले उन्होंने 1790 में पढ़ा और खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए लगभग 6 साल तक, और 6 साल बाद उन्होंने डिस्कवरी की होम्योपैथी की, और उसके बाद उन्होंने एक एसे भी लिखा, और उस एसे का नाम था एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल्स। दोस्तों इसी एसे के साथ हमारी होम्योपैथी डिस्कवर हो गई, और होम्योपैथी के बारे में हम सब इसी एसे के साथ शुरुआती तौर पर जान गए दोस्तों। और इसी के साथ डॉक्टर हैनीमैन होम्योपैथी प्रैक्टिस करने लगे, और 1801 में उन्होंने स्कारलेट फीवर का प्रिवेंशन किया बेलाडोना मेडिसिन से। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की बुक लिखी अलग अलग एडिशन में, जो कि उन्होंने लिखी 1810 से लेकर 1841 और 42 तक दोस्तों 5 बजे सुबह 2 जुलाई 1843 में उन्होंने आखिरी सांस ली और हम सबको छोड़ के चले गए दोस्तों। तो दोस्तों डॉक्टर हैनीमैन बहुत ही ज़्यादा धनी व्यक्ति थे दिमाग के, और वो जीनियस थे, उन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी की और हम सबको होम्योपैथी के बारे में
बताया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा, और नीचे एक शेयर की बटन है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप BHMS स्टूडेंट हैं या आप होम्योपैथी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ज़रूर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।